हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में कर्नाटका के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ज्यादातर यंगस्टर्स वहाँ जाना पसंद करते हैं और उसका नाम है गोकर्णा। तो गोकर्णा का बीचेस जो है वो बीचेस गोवा बीचेस से भी काफी ब्यूटीफुल है गोकर्णा का बीचेस। तो ये भी एक रीजन है ज्यादातर यंगस्टर्स वहाँ विजिट करने का। और गोकर्णा में बहुत सारे प्लेसेस है, मतलब टेम्पल्स है, वाटरफॉल्स है और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो इन सारे प्लेसेस को कवर करने के लिए आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो 3 से 4 दिन में आपको गोकर्णा फुल टूर कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, गोकर्णा पहुंचने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हो और फ्लाइट से भी जा सकते हो। गोकर्णा का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि गोकर्णा से 150 किलोमीटर के दूरी पर है। हुबली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप कैब बुक करके गोकर्णा जा सकते हो। कैब का प्राइस जो रहेगा वो है 2,500 रुपीज़ से 3,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। बस का प्राइस जो है 650 से स्टार्ट होता है, जो कि एसी बस होता है। आप अगर बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो हुबली एयरपोर्ट आ सकते हो। हुबली एयरपोर्ट से गोकर्णा 155 किलोमीटर के दूरी पर है। चाहे आप गोवा एयरपोर्ट भी आ सकते हो। गोवा एयरपोर्ट से भी गोकर्णा 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, आप जहाँ से मन चाहे वहाँ से आ सकते हो। गाइस, गोकर्णा में आप अगर बजट में स्टे करना चाहते हो तो गोकर्णा के बस स्टॉप एरिया से लेकर कडल बीच के रास्ते में आपको 800 रुपये से 1,000 रुपये तक एक अच्छा सा बजट होटल मिल जाएगा। आप अगर बीच एरिया के रिसॉर्ट्स में स्टे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2,500 रुपीज़ से 3,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। गाइस, गोकर्णा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है स्कूटी रेंटल। आप अगर सोलो या फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो स्कूटी रेंट कीजिए। गोकर्णा के बस स्टॉप एरिया में आपको स्कूटी रेंटल मिल जाएगा। स्कूटी का चार्ज जो रहेगा एक दिन के लिए 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप अगर वीकेंड पे जाते हो तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे, मतलब 100-200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। वीकडेज में सिर्फ 500 ही चार्ज करते हैं। आप अगर फैमिली के साथ हो तो कैब बुक कर सकते हो। एक दिन के लिए कैब वाले चार्ज करेंगे 2,500 रुपीज़ से 3,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। गाइस, डे वन पे हम एक्सप्लोर करेंगे 3 टूरिस्ट प्लेसेस को। उसमें से पहला आता है वो है मिर्जा फोर्ट, और सेकंड प्लेस में आता है एना केव्स, और थर्ड प्लेस में आता है विभूति वाटरफॉल। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे मिर्जा फोर्ट के लिए। मिर्जा फोर्ट गोकर्णा से 21 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। मिर्जा फोर्ट का टाइमिंग्स जो है वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, और एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है। इस फोर्ट का 16th सेंचुरी में रानी चिन्नभैरव देवी ने बनवाया है, वो भी विजयनगर साम्राज्य के अंडर में रहकर। रानी ने 54 ईयर्स राज किया है इस फोर्ट पे, और काफ़ी बड़ा फोर्ट है, पूरे 11 एकड़ में बनाया है फोर्ट। काफ़ी ब्यूटीफुल भी है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, मतलब पूरा जंगल को बीचों बीच में ये फोर्ट बना है। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस आता है याना केव्स। याना केव्स मिर्जा फोर्ट से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। याना केव्स का टाइमिंग्स जो है वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, और एंट्री टिकट 5 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। एना केव्स में 2 बड़े बड़े चट्टाने हैं, एक का नाम है भैरव शिखरा और दूसरा का नाम है मोहिनी शिखरा। शिखरा का मतलब होता है पहाड़। इस पहाड़ का फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यूनिक है और ब्यूटीफुल भी है। ट्रैकिंग करके उस पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हो, और यहाँ एक शिवलिंग भी है। याना केव्स हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्टेड है, इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है। उसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट आता है विभूति वाटरफॉल। विभूति वाटरफॉल याना केव्स से सिर्फ 9 किलोमीटर के दूरी पर है। वाटरफॉल का टाइमिंग्स जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है, और एंट्री टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम वाटरफॉल पर स्पेंड कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न हो सकते हो होटल के लिए। अगर आपके पास और भी टाइम है तो शाम को आप गोकर्णा के मेन बीच जा सकते हो, काफ़ी नज़दीक में पड़ता है, और वहीं पर आप रेस्टोरेंट में डिनर भी कर सकते हो। गाइस, डे टू पे हम एक्सप्लोर करेंगे गोकर्णा के सारे ब्यूटीफुल बीचेस को, और महाबलेश्वर टेम्पल एंड महागणपति टेम्पल को भी। गाइस, गोकर्णा के बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए 2 ऑप्शंस है। एक है बीच ट्रेक, मतलब बीच के किनारे किनारे आप ट्रेक करते हुए सारे बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर 2 ऑप्शन आता है अपना व्हीकल से भी आप सारे बीचेस को विजिट कर सकते हो। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो ज़रूर ट्रेक कीजिए। ट्रेकिंग करने के लिए आपको सुबह थोड़ा जल्दी स्टार्ट होना पड़ेगा। इस ट्रेक को कुछ लोकल लोग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और ट्रेक का रूट भी अलग रहता है, मतलब ट्रेकिंग रूट अलग रहता है। आपको गाइड भी मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो आप अपने आप से भी ट्रेक कर सकते हो। ट्रेक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बेलिकन बीच आना पड़ेगा। बेलिकन बीच से आपका ट्रेक स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको बेलिकन बीच से पैराडाइज बीच जाओगे,
और पैराडाइज बीच के बाद आप हाफ मून बीच जाओगे, उसके बाद आप ओम बीच जाओगे, उसके बाद लास्ट में आता है कड़ल बीच। तो इन सारे बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 4 से 5 घंटा लग जाएंगे। गाइस आप अगर इतना लंबा ट्रैक नहीं कर सकते हो तो बिल्कन बीच से स्टार्ट होकर आप पैराडाइज बीच जाइए, उसका डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है। उसके बाद आप पैराडाइज बीच से हाफ मून बीच के लिए बोट भी ले सकते हो। बोट का चार्ज जो रहेगा वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। और उसके बाद हाफ मून बीच से आप ओम बीच के लिए भी बोट ले सकते हो, उसी बोट में भी जा सकते हो। तो ऐसा आप बोट के जरिए भी घूम सकते हो, नहीं तो आप अपना व्हीकल से भी ये सारे बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। गाइस जो लोग फ्रेंड्स के साथ हो और ट्रैक भी कर सकते हो तो ज़रूर ट्रैकिंग कीजिए, क्योंकि ट्रैकिंग के रूट में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो वहाँ पर। गाइस बीच ट्रैक कम्प्लीट होने के बाद आप लंच करके थोड़ा आराम करके उसके बाद आप जा सकते हो 1500 साल पुराने महाबलेश्वर टेम्पल को। महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्णा के बस स्टॉप से, मतलब मेन बस स्टॉप से सिर्फ 2 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। और ये टेम्पल जो है काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा धार्मिक स्थान भी है। इस टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद आप पास में महागणपति टेम्पल भी है, उसको भी एक्सप्लोर कीजिए। महागणपति टेम्पल का हिस्ट्री जो है महाबलेश्वर टेम्पल से कनेक्टेड है। तो इन दोनों टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने के बाद आप रिटर्न हो सकते हो अपने रूम के लिए। अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप गोकर्णा के लोकल बीचेस में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, मतलब वहाँ चिल हो सकते हो। गाइस डे 3 पे हम एक्सप्लोर करेंगे मुर्देश्वर टेम्पल। जो लोग डे 1 पे मिर्जा फोर्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है वो लोग डे 3 पे मिर्जा फोर्ट एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद मुर्देश्वर टेम्पल के लिए निकलिए। जो लोग ऑलरेडी मिर्जा फोर्ट को एक्सप्लोर कर चुके हैं वो लोग सुबह सुबह आप गोकर्णा लोकल घूम सकते हो, नहीं तो आप गोकर्णा लोकल में आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आप लंच करके 2 या 2:30 बजे आप मुर्देश्वर टेम्पल के लिए स्टार्ट हो सकते हो, क्योंकि मुर्देश्वर टेम्पल जो है शाम का टाइम अच्छा लगता है। इसी वजह से आपको दोपहर को रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको जाते जाते शाम हो जाएगा और आप अच्छे से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मुर्देश्वर टेम्पल गोकर्णा से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए आपको लोकल बसेस मिल जाएंगे। मुर्देश्वर टेम्पल अरेबियन सी के किनारे बना है। मुर्देश्वर टेम्पल का मुख्य द्वार जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसको राजगोपुरम कहते हैं। यह है इंडिया का सबसे बड़ा राजगोपुरम है, 21 मंजिल का बना है। ऊपर में जाने के लिए लिफ्ट भी बना है और लिफ्ट का चार्ज जो है 10 रुपया चार्ज करते हैं पर पर्सन। तो आप राजगोपुरम से एंट्री करने के बाद सामने आपको मेन मंदिर दिखाई देगा शिव जी का। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद आप राजगोपुरम के 21वीं मंजिल में लिफ्ट के जरिए आप ऊपर जा सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने के मिलेगा। जो लोग अरेबियन सी में बोटिंग कर रहे हैं उनको भी देख सकते हो। तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इस मंदिर के पास में शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू भी है, तो उसको भी देख सकते हो, मतलब शिव जी का दर्शन भी कर सकते हो। यह है दुनिया का थर्ड हाइएस्ट शिव जी का स्टैचू है और भारत का 2रा हाइएस्ट स्टैचू है। तो इन सभी को एक्सप्लोर करने के बाद आप रिटर्न हो सकते हो अपने रूम के लिए। तो गाइस ये है गोकर्णा के बारे में फुल टूर का डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।